please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजस्थान के जोधपुर में ऑपरेशन के दौरान दो डॉक्टरों के झगड़े की वजह से नवजात की मौत पर हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। जैश ए मोहम्मद और लश्कर के फिदायीन आतंकी बकरीद पर जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान ने राजौरी के नौचेरा में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले तीन दिनों में 61 बच्चों की मौत हो गई, तो उधर फरुखाबाद में भी एक महीने में 49 बच्चों की मौत से हड़कंप। रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम से डील को सीएम खट्टर ने अफवाह बताया। मुंबई में एक बार फिर दादर और वर्ली समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश से जूझ रही मुंबई में आज फिर समंदर में हाई टाइड की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने लग्जरी गाड़ियों पर सेस 15% से बढ़ाकर 25% किया, जिससे गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए 2 हफ्ते में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ब्लू व्हेल गेम के जरिए भारत में बच्चों और युवाओं को तबाह करने का प्लान बनाया। सीमा विवाद पर फिर धमकी देते हुए चीन ने कहा कि डोकलाम की घटना से भारत सबक ले और दोबारा ऐसा करने से पहले सोचे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आतंकियों की मौसी बताए जाने पर सियासी बवाल बढ़ा। अब आपको दीदी बोलना बंद कर देंगे और लोग कहेंगे कि आतंकवादियों की घुसपैठियों की मौसी है। पहले भी इस तरह के बहुत ही भद्दे अपमानजनक बयान दिए थे। मैं समझता हूँ कि वो शर्मनाक है। अमेरिका के ह्यूस्टन में समुद्री तूफान हार्वे से मची तबाही में 30 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में रिजल्ट मांगने पर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज की छात्राओं की पिटाई की। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को खेल दिवस पर राष्ट्रपति ने खेल प्रोत्साहन अवार्ड से सम्मानित किया। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। कलर्स पर आने वाले मशहूर शो बिग बॉस के नए सीजन का प्रोमो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इसलिए अरे वाह, लाल मिर्ची। ओहो, दिन में पालक पनीर बना था। आपको कैसे पता चला? किचन से खुशबू आ रही थी।